गुड आफ्टरनून एवरी वन मैं मेरे कान बंद कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने वाले हैं आप लोगों में पहले बता दूँ कि आज बहुत ही जेनुइन रीजन से ये इशू आया है टेक्निकल ग्लिच था आप देख सकते हो मैं स्टूडियो में हूँ तो दिस इज समथिंग आप लोग के लिए वी वर ट्राइंग टू गेट समथिंग डन फॉर यू बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच आई होप यू गाई स्ट मी सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ वॉट वी वे वी लेफ्ट लेफ्टे

You know, uh, north is actually short in south in Karnataka, right? So, today we are going, and I am the teacher of English, so, log rahe. so we are going to have a look at this. Just look at this. This is such a beautiful place. Job he, mere bache south ke hai, Shout out to you, especially those from Karnataka, because Karnataka may not only the scenery is beautiful, but the people are equally beautiful, right?

स्वर्ग का टुकड़ा है और वो कहाँ पर है वो कैसे आया है पहली बात वो ड्रिफ्ट करके आया ड्रिफ्ट यानी हवा में बहकर आया है heaven से स्वर्ग से बहकर जो है हमारी धरती पर आया है और कहाँ पर सिचुएट हुआ है इट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसोर एंड मैंगलोर मैंगलोर और मैसोर के बीच में जो है कूर्ग सिचुएटेड है जिसे प्यार से कहा जाता है अ पीस ऑफ हेवन ऑल राइट विच इज विच कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड मतलब भगवान लोगों की जो हम कह सकते हैं उनका जो किंगडम है उसमें से एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा टुकड़ा जो है आकर बसा है मैसोर और मैंगलोर के बीच में जिसका नाम है कूर्ग ओके दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स अगेन

प्राउड यानी बहुत ही गर्वित रेस यानी जो हम कह सकते हैं एक स्पीशीज है ह्यूमन स्पीशीज किसकी मार्शल मैन मार्श का मार्शल uh, मीन्स जो uh, लड़ाई लड़ाकू जो होते हैं वॉर से रिलेटेड जो वॉरियर्स होते हैं तो आपको अगेन ये जानकर बहुत ही होगा कि इतनी ब्यूटीफुल जगह जिसे स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जा रहा है, वहाँ पर मार्शल मैन लड़ाकू वॉरियर्स का क्या काम है सो so अगेन कूर्ग जो है इफ यू नो उसकी हिस्ट्री जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कूर्ग अपने वॉरियर रेस के लिए यानी उसके जो पूर्वज है वो सारे मोस्टली वॉरियर्स थे और उसके लिए वो काफी जाना माना है सो अगेन सच अगर जब हम मैं कहती हूँ कि पीस ऑफ हेवन है तो आप उसको शांति पूर्वक इमेजिन करते हैं बट वहां की जो लोग हैं वो योद्धा से कम नहीं है सो अगेन इफ यू लुक एट दिस मैन ये एक्चुअली जो है कूर्ग के जो लोग हैं उनकी ये पोशाक होती थी जिसका भी डिटेल आगे है चैप्टर में ओके सो मार्शल मैन एंड ब्यूटिफुल वुमेन कुर्ग एंड दिस इज लिखित में ले लो कुर्ग की ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं होती है बहुत खूबसूरत होती है इनफैक्ट हमारे बॉलीवुड में भी बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस वो जनरली कर्नाटका से हैं बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस जैसे ऐश्वर्या राय इज फ्रॉम कर्नाटका शिल्पा शेट्टी इज ऑल्सो फ्रॉम कर्नाटका सो इट इज अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल वूमेन एज वेल ऑल राइट सो मार्शल मैन ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स यहाँ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो पूरे देश में कहीं-कहीं पाए जाते हैं बहुत rare animals है। जंगली जानवरों का भी यहाँ पे काफी आपको मिलेगा यानी बहकर आया है एकदम uh, हवा में जैसे उड़कर आया हुआ है मार्शल यानी uh, लड़ाकू वॉर से रिलेटेड आई होप अब तक आपको सब कुछ क्लियर आ चुका है ऑल राइट एंड दिस इज द मार्शल मैन ऑफ

रेन फॉरेस्ट का घर है यानी हमेशा यहाँ पे ठंडा और अच्छा माहौल होता है तो आप कभी भी कुर्ग में जाएंगे आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी ही नहीं ऑफ़ कोर्स इट्स अ हिल स्टेशन कई लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं फैमिली के साथ हनीमून के लिए इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और मैं आपसे कहूंगी लाइफ में जैसे गोवा जाने का तो आपका खुद का प्लान है वो मुझे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है लेकिन कुर्ग जरूर जाना अपनी लाइफ में इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन इंडिया ऑल सो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है स्पाइसिस ऑफकोर्स जब साउथ की बात आए और स्पाइसिस का नाम ना आए तो हो साउथ कहा राइट right? तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के मसाले है मसालों का भी एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉफी प्लांटेशन कॉफी लवर्सा बिकॉज कूर्ग इज द प्लेस वेर यू कैन गो फॉर कॉफीज कॉफी की यहाँ पे बहुत सारी हम कह सकते हैं बागान जो हम हिंदी में कहते हैं प्लांटेशन इंग्लिश में कहते हैं तो कॉफी की बहुत ब्यूटिफुल प्लांटेशन है और अगर आप कूर्ग विजिट करते हैं तो आप वहां पर जाएंगे ना तो आपको प्लांटेशन में भाग लेने का मौका मिलेगा यानी जो कॉफी बीस यहाँ पे देखिए कॉफी के एक्चुअली प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे कॉफी कभी प्लांट नहीं देखे तो वो देख लीजिए इस तरीके के बेरीज होते हैं जिनको आई डोंट नो ड्राई करते हैं उसके सीड्स आते हैं एक्चुअली कॉफी बीन्स और फिर उसको स्टारबक्स वाले उसको रोस्ट करके दे दे जस्ट मेक इट द अरोमा इज ब्यूटिफुल अरोमा मीन्स फ्रेग्रेंस उसकी खुशबू आप जब जाएंगे कुर में उन कॉफी प्लांटेशंस में तो इतनी खुशबूदार जगह होती है और आपको जब वो एक्सपीरियंस मिलेगा आप खुद वहां से यूल प्लक दीज फ्रूट्स आप वहां से इनको तोड़ेंगे एक बास्केट मिलती है और राइट वु जो हम ब्रिस्क बास्केट विस्क बास्केट कहते हैं वो मिलती है उसमें आप तोड़ कर डालेंगे ऐसे भी डाल सकते हो और फिर यू कैन मेक ब्रू योर ओन कॉफी राइट सो दैट इज द ब्यूटी अगेन कॉफी प्लांटेशन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर थर्टी परसेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट सो इस डिस्ट्रिक्ट का थर्टी परसेंट जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर होता है ठीक है सो ऑलमोस्ट जो थर्टी परसेंट है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर किया जा रहा है एंड

जो है, अगेन ऑफ़ कोर्स देखो नेचर को भी थोड़ा सा ईयर रहे नेचर कब अपने आप को रिवैम्प तो करेगी तो अगेन मॉनसून एक ऐसा टाइम है बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल्स जनरली विजिटर्स वहाँ पर नहीं आते लेकिन वॉट इज द प्राइम सीजन प्राइम सीजन यानी बेस्ट सीजन कौन सा है विजिट करने का कुर्ग का बेस्ट सीजन द सीजन ऑफ जॉय

बाकी वेकेशन की तो आपको जरूरत मतलब बहाने की जरूरत क्या तो स्कूल के बच्चों आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो राइट सो अगेन इट इज द प्राइम सीजन ये एमसीक्यूज में आ सकता है ओके okay? एक्चुअली ये पैराग्राफ क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यू uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ बहुत इसेंशियल है ओके सो सेप्टेम्बर से लेके मार्च के महीने में प्राइम सीजन सीजन ऑफ जॉय है द वेदर इज परफेक्ट जो माहौल है मौसम है वो परफेक्ट है ओके सम शावर्स, शावर्स शावर्स मतलब वो नहाने वाले नहीं, जो हल्की हल्की बारिश होती है उसको हम शावर कहते हैं जो पानी की हल्की हल्की छीटे होती है छीटे नहीं हम उसको हिंदी में क्या कहेंगे शावर को ओ, मुझे कमेंट सेक्शन बताओ ओ, हल्की जो रिम झिम रिमझिम बारिश ओहो रिमझिम जो बारिश होती है वो इस टाइम पे होती है हल्की हल्की और रिमझिम बारिश बड़ी प्यारी होती है थ्रोन एंड फॉर अ गुड मेजर मतलब ऐसे जैसे अः uh, स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं या गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा ऊपर कोतंबिर जैसे आप कहते हो धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए जैसे हम uh, धनिया पत्ता डालते हैं वैसे ही कुरियनडो लीव्स वैसे ही जो भगवान है कूर्ग को खूबसूरत बनाने के लिए हल्की हल्की जो है रिमझिम बारिश भी सेप्टेम्बर से मार्च के महीने के बीच में डाल देती है तो इससे जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत माहौल बन जाता है Right? Invigorating invigorating okay? तो रिमझ एकदम गर्म कॉफी आपके हाथ में हो सके तो थोड़ा सा मैगी भी रख लो बिकॉज हिल स्टेशन में मैगी नहीं खाया तो क्या खाया बट जो कूर्ग में है वहां पे हवा में कॉफी का बड़ा अच्छा स्मेल कंटिन्यूसली मौजूद रहता है ओके कॉफी एस्टेट्स एंड कलोनियल बंगलोज स्टैंड अंडर ट्री कैनपीस इन प्राइम कॉर्नर इतना सारा हैवी इंग्लिश वर्ड एक ही लाइन में डाल दिया ओके सो so, यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको कॉफी एस्टेट्स यानी जो बागान होती हैं, लोगों ने एस्टेट्स खरीद रखी लंबी लंबी एकड़ एकड़ जमीन भर के जो है कॉफी के बागान होते हैं और क्या होते हैं कलोनियल बंगलोस कलोनियल यानी जो पहले ऑब्वियसली ब्रिटिश राज रहा था एंड यहाँ पे जो भी रूलर्स रहे थे कॉलोनाइजर्स थे उनके बंगलो अभी भी वहाँ पे वैसे के वैसे ही हैं तो आप जाएंगे तो वो भी विजिट कर सकते हैं बहुत ब्यूटिफुल बंगलोज होते हैं एंड ये कहाँ पे है ये स्टैंड टगड टगड मतलब टक करना मतलब क्या होता है जैसे ये मैंने टक किया ये टी शर्ट मैंने टक किया यानी कि अंदर की तरफ ऐसे छुपा के प्यार से यू नो धकेल के रखना तो कैनपीस कैनोपीस क्या होती है ट्रीज की कैनोपीज मैं दिखाती हूँ इसे हम कैनोपी कहते हैं बहुत अगर जस्ट इमेजिन आप यहाँ पे जमीन में लेटे हैं तो आसमान में ये सारे जो पेड़ है एक तरीके से आपके ऊपर एक कैनपी बनाए रखते हैं यानी एक छतरी की तरह एक छाया बना के रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा यू नो एवरग्रीन प्लेस है तो पेड़ों की बहुत सारी कैनोपीज है और उसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे कलोनियल बंगलोज है छोटे भी है कुछ कुछ बड़े भी हैं और बड़े बड़े उनके कॉफी एस्टेट्स हैं सो जस्ट इमेजिन द ब्यूटी ऑफ कूर्ग बहुत बड़े कैनपी ऑफ ह्यूज ट्रीज

i will say your name when you give me answers all right fine so let us have uh, a look at the difficult words canopy जैसे छत होती है हल्की सी uh, उसे कहते हैं ये कैनोपी की मैंने पिक्चर भी लगाई है प्राइम सीजन यानी बेस्ट टाइम जो होता है उसे प्राइम कहते हैं देन uh, अगेन वी हैव invigrating यहाँ पर उसका मतलब है strong ओके okay. सो so, काफ़ी मजा आ रहा है मुझे तो ऐसे ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे तो छुट्टी डालू और मैं कूर्क चली जाऊँ ठीक है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दो कि मैम को जल्दी से कूर्क की छुट्टियाँ दे दी जाए और राइट सो आगे देखते हैं थोड़ा सा ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इसलिए मैंने पिक्चर से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया है यहाँ पे आ, ये भी एम सी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और राइट right. सो द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल अब फियर्स मतलब एकदम स्ट्रांग एक्सट्रीम अब जैसे हमने जाना कि कूर्ग के लोग तो भाई बड़े योद्धा टाइप है बिकॉज उनका जो पास्ट है उनके जो पूर्वज है ऑब्वियसली दे आर वॉरियर्स ठीक है तो दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट काफी इंडिपेंडेंट लोग है आत्मनिर्भर ठीक है आत्मनिर्भरता पहले से आ चुकी है कूर्ग में ठीक है तो वो जो लोग है कूर्ग के दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट डिसेंट यानी उनकी वंशज जो है उनके पूर्वज जो है उनकी जो लीनियज है जो हम कहते हैं हेरिडिटरी ठीक है हेरिडिटी उनकी जो है वो उनके अरेबिक uh, या फिर ग्रीक लोग है सो दैट इज़ मे बी यू नो दे आर वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो बिकॉज ग्रीक लोगों की ना नोज बड़ी फेमस होती है एक अगर ग्रीक नोज जो कहते हैं अगर आपने ऋतिक रोशन की नाक देखी है तो उसे ग्रीक नोज कहते हैं ठीक है थीके? तो वो काफी फेमस है बिकॉज ग्रीक लोगों का वो स्पेशल नोज होता है वैसे एंड अगेन अरेबिक पीपल आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल सो दैट इज वाई मे बी समवेर द जीन्स आर कैरीड आउट बट हां हिस्ट्री ऑफ कूर्ग अगर आप देखें तो उनके जो वंशज है सॉरी उनके जो पूर्वज है वो ग्रीस और अरब से आते हैं ठीक है As one story goes, अभी कहानी है है ठीक कुर्ग की इतिहास क्या है कुर्ग के लोग कहाँ से आए हैं तो एक कहानी है कि जो हमें अलेक्जेंडर ग्रेट पता है राइट right? सिकंदर जो हिंदी में हम उनको कहते हैं अलेक्जेंडर एलेक्सेंडर ग्रेट जो है यहाँ पर आए थे ठीक है एंड उनकी आर्मी आई थी एक्चुअली आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर वेन रिटर्न बिकेम ठीक है सो क्या हुआ Alexander की जो आर्मी है वो यहाँ पर आई और यहाँ पर सेटल हुई लेकिन फिर उनका वापस जाना मुश्किल हो गया अब वापस जाना मुश्किल हो गया तो वो लोग यही रह गए तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रीक और अरबिक डिसेंट आता है तो जब उनका वापस जाना मुश्किल हो गया इम्प्रैक्टिकल हो गया तो मार्शल तो ट्रेडिशंस the तो जो किंग अलेक्जेंडर है अलेक्जेंडर द कौन कर उसकी जो मार्शल टेक्निक्स बिकॉज आप Alexander की अगर हिस्ट्री नहीं जानते तो ऑब्वियसली uh, पराक्रमी था फ्लॉलेस था, तो होगी तो वो टेक्निक्स जो है वो मार्शल आर्ट्स जो है वो कूर्ग में आके बसा है उनकी आर्मी के थ्रू किन की आर्मी के थ्रू एलेक्जेंडर की आर्मी के थ्रू वो लोग जब यहां पर आए और उनको वापस जाना सही नहीं लगा तो उन्होंने कूर्ग के ही लोकल लोगों से शादी मना ली और फिर वहां पर उन्होंने अपनी कला जो है उसका प्रचार किया कौन सी कला का मार्शल आर्ट्स ठीक है तो इसीलिए काफी फियर्स है कूर्ग के लोग ओके सो so उनका जो कल्चर था स्पेशली उनका मार्शल ट्रेडिशंस उनका मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स तो उनके जो धार्मिक प्रथा थी और इवन वेडिंग रिचुअल्स थी वो सारी जो है थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है थोड़ा अलग है मेंस्ट्री, यानी जो रेगुलर हिंदू है उससे थोड़ा सा हटके है कूर्ग के क्योंकि वहां पर द ग्रेट की आर्मी का काफी इन्फ्लुएंस था और ग्रीक इन्फ्लुएंस और अरबिक इन्फ्लुएंस भी था तो उनके कल्चर के इन्फ्लुएंस की वजह से मेन स्ट्रीम हिंदू ट्रेडिशन से हटके थोड़े इनके ट्रेडिशंस अलग है कौन से कौन से ट्रेडिशन मैरिज ट्रेडिशन रिलीजियस ट्रेडिशन एंड मार्शल आर्ट्स किन के कूर्ग वालों के ठीक है द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द अब हमें तो चलो ये पता चल गया ग्रीक ओरिजिन आया अलेगजेंडर के आर्मी वगैरह जो भी है अरबिक लोगों का ओरिजिन कहाँ से आता है तो अगर आप कूर्ग का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है जो काफ़ी कॉमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था क्या कहते हैं कौन सा है तो अगर आप उसका ट्रेडिशनल ड्रेस देखेंगे आ, जो वहाँ के लोगों लोग पहनते हैं तो वो ड्रेस का इन्फ्लुंस कहाँ से आया है अरब से आया है ठीक है सो द इन्फ्लुएंस हैज कम फ्रॉम द ओके सो जो लॉन्ग ब्लैक कोट पहना जाता है एन एम्ब्रॉयडर्ड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट वेस्ट बेल्ट बेल्ट और पे एक embroidered belt होती है बड़ी प्यारी सी और वोन बाय द दूसवूज वहां के कुर के जो uh, लोग हैं उनको कहा जाता है वॉरियर्स एंड उस ड्रेस को क्या कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है बट अभी तो फिलहाल शायद तुम्हारा ऑफलाइन एग्जाम है ना ओके okay. जो है उसके ड्रेस को कुपिया कहते हैं कुपिया एंड अरेबिक लोग हैं उनकी ड्रेस होती है आपने देखी होगी वो हल्का सा हेडगेर होता है और लंबी सी गाउन टाइप होती है उसको कुफिया कहते हैं वो लोग और कुर्ग में कुपिया पहना जाता है अरब में कुफिया पहना जाता है ठीक है so, सो वहाँ पे अरेबिक लोगों की जो कुफिया है वो कुपिया से थोड़ी मैच खाती है इसीलिए समझ में आता है कि अरब का भी इंफ्लुएंस रहा है कुर्ग में आई होप अब तक आपको क्लियर रहा हो यहाँ पे ड्रेस देख लीजिए कूर्ग की ड्रेस ऑल राइट सो ये लॉन्ग ब्लैक कोट है अगर आप देख सकते हो जैसे अरबिक पीपल ऑल्सो दे वेयर अ लॉन्ग यू नो ब्लैक गाउन लाइक थिंग एंड एक बेल्ट है एम्बेलिस्ड बेल्ट या एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट उन्होंने पहना हुआ है और ये लेडीज का जो है कूर्ग की लेडीज का ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ड्रेस है अगर आप देखोगे अलग तरीके से उन्होंने साड़ी पहनी हुई है यहाँ पर पिन भी किया है और बहुत ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आउटफिट एंड उन्होंने एक हेड गेयर सा भी पहना हुआ है अपने बालों पर ठीक जिस बालो है जिससे वो पूरे बालों को टाई किए हुए हैं और फुल स्लीव ब्लाउज ए वेरी ब्यूटिफुल पीपल राइट सो दिस इज द कुपिया ड्रेस इसको कुपिया कहते हैं अ uh, मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम साउथ मस्ट नो दिस पिक पास मे लो अच्छा ये एक टेक्नोलॉजी मेरे पास आई है देखो वाह 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 बहुत मजा आता है मुझे करने में अंडरस्टूड आई होप इट इज क्लियर फॉर यू माइक पास मे लो लॉल ओके चलो लेड मूव अड अभी तक सबको डाउट है या सब क्लियर है Please let me know so far everything is clear am i going too fast if you have any doubts aaj aap log bahut hi alag communication mein chal rahe is a piece of heaven yes true All right so let us move ahead now सम न्यू वर्ड मेन स्ट्रीम जो ट्रेडिशन है बेसिक ट्रेडिशन रेगुलर ट्रेडिशन उसे मेन स्ट्रीम मेन स्ट्रीम यानी जो ट्रेडिशनल है बेसिक है रेगुलर है उसे मेन स्ट्रीम कहते हैं डिसेंट यानी ओरिजिन किसी का इतिहास या उनके एंसेस्टर्स जो हैं कहाँ से आते हैं तो उनके डिसेंट्स कहते हैं हम उसको ओके ऑल चलो लेट एस मूव अड अब आगे देखते हैं कूर्ग में अब तो अभी तक तो सिर्फ हमने कुर्ग का इतिहास ही देख रहे हैं अब हमें बहुत सारी अद्भुत चीजें पता चलेगी कूर्ग की और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये लेसन सुनने के बाद लाइफ में एक बार तो कूर्ग जाए और मैं लिख के देती हूँ कि आप जब कूर्ग जाएंगे तो आपको इस क्लास की बड़ी याद आएगी और आपको ये सारी बातें याद आएगी जो मैं बता रही हूँ ये सारी पोशाक आप देखोगे और काफी अलग एक्सपीरियंस होगा बिना जाने किसी जगह में जाना और जानने के बाद उस जगह में जाना दोनों काफी ही अलग एक्सपीरियंस है एंड ऑब्वियसली सेकेंड वाला जो है काफी एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता होती है लोकल लोगों को आप कहते कि रहने दो मैंने भी एडियो हाँ की वीडियो देखकर आया हूँ मुझे भी पता है कुर्ग में क्या क्या है राइट सो नाउ मूविंग होम्स अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी अगर आप कुर्ग के लोगों के घर जाओगे तो वहां पर बहुत ही हॉस्पिटैलिटी का ट्रेडिशन है यानी मेहमान नवाजी का बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है वहां के लोग बहुत ही फ्रेंडली uh, होते हैं बहुत फैमिली टाइप आपको ट्रीट करते हैं एंड दे आर मोर विलिंग टू रिकाउ न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल रिलेटेड टू देर सन्स एंड फादर्स और जब आप उनके घर जाते हैं वो आपकी मेहमान नवाजी करते हैं और आपको उनके पास बहुत सारी कहानियां होती है न्यूमरस यानी बहुत सारी अनगिनत कहानियां होती है बताने की किसकी कहानियां टेल्स यानी कहानियां टेल्स ऑफ वैल ओके ये वाली टेल्स देख लो एल ई एस है टी ए एल ई एस इसका मतलब कहानी होती है वो जो पूंछ वाली टेल है टी ए आई एल एस होती है ठीक है वो पूछ होती है ये टेल मतलब कहानी ये मत सोचो कि कुर्गी वालों के पास बहुत सारे टेल्स होते हैं उनके पास बहुत सारी पूछ होती है कुर्गी वालों के पास बहुत सारे टेल्स होते हैं यानी उनके पास बहुत सारी कहानियां होती है और किसकी कहानियां होती है वैलर की वैलर यानी हिम्मत बहादुरी तो बहादुरी और जैसे हमें तो अब पता चल चुका है क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुर्गी लोगों के जो एंसेस्टर्स है वो वॉरियर ली से है तो उनके खून में ही वॉरियर्स है योद्धा है तो उनके पास ऑब्वियसली लड़ाकू कहानियां ही होंगी ना ऑब्वियसली तो उनके पास हिम्मत की बहुत सारी कहानियां हैं जो उनके बेटे और उनके पिता और परपिता सॉरी दादाजी होता है परपिता नहीं होता दादा पर दादा इन सब की कहानियां उनके पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियां है तो आपको घर में अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे और प्यारी प्यारी कहानियां सुना के आपको सुला देंगे ओके सो द कुर्ग रेजिमेंट रेजिमेंट द आर्मी ऑफ कूर्ग इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी so, कुर्ग की जो झांकी है ओके okay, कुर्ग की जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में आप देखोगे तो उनकी जो पोशाक होती है वो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड पोशाक होती है अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो ठीक है जो तो कुर्ग रेजिमेंट जो कुर्ग की झांकी होती है वो बहुत ही ज्यादा जो है डेकोरेटेड होती है इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ठीक है इंडिया की आर्मी जो है हमारे देश की इंडियन आर्मी सल्यूट टू दैट उसके जो फर्स्ट चीफ है उनका नाम है जनरल uh, करियप्पा जो कहाँ के थे कूर्ग के थे तो कुर्ग के जो पहले चीफ कर्ग हमारे इंडिया के जो पहले चीफ थे चीफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी वो कूर्ग से थे और उनका नाम था जनरल करियप्पा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये भी आ सकता है एमसीक्यू में ये एक्चुअली जनरल करियप्पा जी की फोटो है अगर आप देखेंगे तो यही है वो जनरल करियप्पा इनकी पोर्ट्रेट बनाई गई थी तो ये जो है हमारी इंडियन आर्मी के पहले चीफ है ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस आप सबको पता है कि इंडिया में अगर आपको आर्म्स एंड एमिनेशन कैरी करना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए वरना संजू भाई के पास अभी तक क्यों केस चल रहा होता तो लेकिन में एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को अलाउड है विदाउट लाइसेंस उनको एक्चुअली लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है आर्म्स कैरी करने के लिए यानी बंदूकें कैरी करने के लिए उनको वहां पर लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है वो इकलौता ऐसा जगह है कड़वूज कौर्डौ, ही सिर्फ वो लोग हैं जिनको फायर आर्म्स कैरी करने के लिए जो है लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है यहां पे न्यू वर्ड क्या देखा हमने टेल्स ऑफ वैलर वैलर यानी बहादुरी की कहानियां प्रेरक कह रहे हैं उनको डाउट है प्लीज लेट मी नो गाइज आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे इंटरक्टिव सेशन पसंद है मुझे आप लाइव uh, होने का मतलब यही है कि आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो और मैं आपके डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकू ऑल राइट सो जो भी डाउट है डायरेक्टली आप पूछिए मैम आई हैव अ डाउट मत लिखिए सीधे डाउट पूछिए क्योंकि मेरी नजर कॉन्स्टेंटली कॉमेंट सेक्शन पे है चलो लेडेस मूव अहेड नाउ ओके okay. सो so, अब ये देखिए वाह क्या क्या मछली है अब तो इसके बारे में जानना पड़ेगा ये मछली को छोड़ो इसको देखो लंगूर ठीक है अब ये लंगूर और मछली और मैं हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जो कूर्ग है वहां पे एक रिवर है बहुत फेमस है कावेरी जो हमें भी पता है राइट कावेरी नदी जो है वहां से जो है ऑप्टेन्स द रिवर कावेरी ऑपटेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग सो so, uh, कूर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से जो है कावेरी नदी में पानी जाता है ऑल राइट इलूजन कह रहे हैं कि ये जो थे ये फील्ड मार्शल है थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन आई डोंट नो हाउ फार इट इज वेरीफाइड बट थैंक यू सो मच ओके सो कूर्ग में कावेरी कावेरी में कूर्ग की तरफ से जो है पानी भी आता है ठीक है एंड महासीर अब ये मच्छी अगर आप देखेंगे मच्छी यानी मछली हम मच्छी कहते हैं उसको यहाँ पे ठीक है कितनी बड़ी है ये तो मैंने फिर भी छोटी वाली इमेज निकाली है इससे भी बड़ी होती है इतनी बड़ी मछली होती है जिसे महासीर कहते हैं ठीक है ठीके? कूर्ग की फेमस मछली है ये महासीर नाम है इस मच्छी का और ये फ्रेश वाटर फिश है ठीक है बहुत फेमस है कूर्ग में ये मछली कौन सी ये भी एमसीक्यू के लिए आएगी कौन सी मछली फेमस है कूर्ग में महासीर ओके एंड uh, उसके बाद अबाउंड इन दीज वाटर्स ये कहाँ मिलती है कावेरी नदी में मिलती है ये महासीर मछली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में ओके नाउ मिडवे ऑफ मैसोर एंड मैंगलोर आशुतोष ओके सो किंग फिशर्स डाइव किंग फिशर अगर आपको पता है वो बर्ड होती है जो वेट करती है कब एक पैर पे वेट करती है आपको मेरा पैर नहीं दिख रहा वो एक पैर पे वेट करती है और डाइव करती है और मछली पकड़ती है तो अगर आप कूर्ग में जाओगे ऑब्वियसली हिल स्टेशन है बहुत प्यारे प्यारी वहां पे नदियां हैं और वहां पर आपको किंगफिशर जो फिश है ठीक है किंग फिशर फिश की बात करी हूँ मैं सॉरी किंग फिशर बर्ड्स जो है वो वहां पर काफी मिलेगी आपको किंगफिशर बर्ड जो है वहाँ पे कैच करने के लिए मछलियाँ कैच करने के लिए वेट करती है लंगूर uh, so जो है अगेन ड्रॉप uh, 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 तो लंगूर जो है दे ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट आदि फ्रूट को तुर तुर के खाते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं ठीक है मच, पानी में ऐसे uh, मस्ती में फेंक देते हैं मिस्चीफ में ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश तो छोटा छोटा से फ्रूट्स खाएंगे और फिर आधा बचा हुआ पानी में फेंक देंगे तो पानी में फेंकने से क्या होता होता है है स्प्लैश राइट उस स्प्लैश होने के बाद वहां पे पानी में रिपल्स आते हैं रिपल्स अगर आपको पता है तो अगर आप इस बंदे के पैर के यहाँ पर देखेंगे तो ये सर्कल सा हो रहा है मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जूम कर रही हूँ और ये रिपल्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं ठीक है सो so, पानी में से गोल गोल जो सर्कल होता है कोई भी चीज फेंकने की वजह से उसको रिपल्स कहते हैं तो बदमाश होते हैं वहाँ के लंगूर लंगूर यानी ये यहाँ पर जो प्यारा सा एक जानवर है ये एक्चुअली कुर्ग का लंगूर है कहाँ गया भाग रहा है लंगूर ओके okay, ये आ गया लंगूर तो कुर्ग का ये फेमस लंगूर है और स्क्वेरल स्क्वेरल्स तो आपको पता है इसलिए स्क्वेरल की फोटो मैंने डाली नहीं है सो so, uh, कूर्ग में द लंगूर ऑफ कुर्ग दे आर ऑल्सो देयर एंड वो लोग जो है हाफ ईटन uh, जो है um, फ्रूट्स पानी में फेंक देते हैं स्प्लैश करते हैं और वहां पे प्यारे प्यारे रिपल्स बनते हैं उनको वो मस्ती बड़ी आती है इन द क्लियर वाटर ठीक है एलिफेंट्स जो है एलिफेंट्स भी बहुत मजा करते हैं कूर्ग में ऑफकोर्स uh, साउथ है तो एलिफेंट्स तो होंगे ही सो so, वहां पर एलिफेंट्स को बड़ा सा वो नदी में उनको लिटा के उनको मस्त नहलाया जाता है ठीक है और वहाँ पे उनको स्क्रब किया जाता है कौन स्क्रब करते हैं उनको महोत माहौत यानी जो उनके सारथी होते हैं जो एलिफेंट्स को जो उनका ख्याल रखते हैं केयर टेकर ऑफ एलिफेंट्स उनको महोत कहते हैं इंग्लिश में तो वो जो है उनका वहां पे आप देख सकते हो कितनी कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है ये कूर्ग की नदी में यह एलिफेंट लेटा हुआ है और ये माहौत जो है उसको स्क्रब करके क्लीन करा इट्स सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर आई जस्ट लव दिस पिक्चर इट्स अ वेरी क्लियर वाटर अगर आप वाटर भी देखेंगे कूर्ग का तो कितना क्लियर है अंदर तक पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है उसकी परछाई एंड ऑफकोर्स द ग्रीन इज द रिफ्लेक्शन एंड द महोत इज क्लीनिंग द एलिफेंट स्क्रबिंग इट ठीक है सो कूर्ग में आपको कौन से कौन से एनिमल्स दिखते हैं वापस से दिखते हैं हमको वहाँ पे महासीर मछली मिलती है जो बहुत फेमस है कूर्ग की उसके अलावा किंगफिशर बर्ड्स मिलते हैं और उसके अलावा लंगूर मिलते हैं और उसके अलावा स्क्वेर और हाँ हाथी बहुत फेमस है कूर्ग में ऑल राइट सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट द न्यू वर्स दैट वी लर्न मिस यानी मस्ती जो हम कहते हैं दैट इज मिस रिपल इफेक्ट जो मैंने कहा ये पानी का ये जो वेव्स बन रहा है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द सर्फेस ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड एज रुपल इफेक्ट ओके देन वी हैव महाट्स द पर्सन टेक्स केयर ऑफ एलिफेंट्स उसको महोट कहते हैं All right, thank you so much. अभी यहां तक आपको कुछ डाउट रहा तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए अब हम देखते हैं आगे की कहानी ये देखो कितनी एक्टिविटीज है तो जो आलसी लोग हैं वो ये ना सोचे कि भाई मैं कूर्ग में जाऊंगा तो मैं मस्त हिल स्टेशन में एकदम लेट जाऊंगा एक तरफ कॉफी प्लांट होगी मैं कॉफी पीता रहूंगा और दूसरी तरफ सदाबहार ऐसे पेड़ होंगे जानवर होंगे सिर्फ इतना ही नहीं है कूर्ग कुर्ग में आलसी से आलसी आदमी जब कुर्ग में जाता है तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है क्योंकि कुर्ग में एक से बढ़ के एक आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स मिलेंगे और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स वंस इन लाइफ टाइम तो करना ही चाहिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर तो देखिए ना आपने अब आप एक्सक्यूज देते कि भाई हम थोड़ी स्पेन जा सकते हैं हमारे पास उतना पैसा नहीं तो आप कुर्ग आ सकते हो और यहाँ पे अपनी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा कर सकते हो विथ ऑल दीज वेरियस एडवेंचर स्पोर्ट्स तो यहाँ पे कौन से कौन से हम द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स लेड बैक मतलब एकदम आलसी या एकदम केयर फ्री जो लोग हैं जिन्हें ज्यादा एक्टिविटी करना यू नो फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद नहीं है वो लोग भी कुर्ग में आके दिबकम कन्वर्ट कन्वर्ट convert हो जाते हैं ठीक है वो परिवर्तित हो जाते कैसे परिवर्तित हो जाते हैं

पिक्चर एंड देन दे ऑल्सो डू कैनोइंग दिस इज़ कैनोइंग सिंगल पर्सन करते हैं ठीक है इट्स मोर लाइक अ बनाना बोट एंड उस पर कैनोइंग करते हैं अगेन ही इज ऑल्सो इंजॉयिंग अ लॉट विथ वाइट वाटर स्प्लैशिंग अराउंड राइट एंड देन दे ऑल्सो डू रैपलिंग दिस इज कॉल्ड इज रैपलिंग जिसको आप यू नो एक रोप से आप चढ़ते हैं अब ये तो ये सिर्फ माउंटेन का पार्ट दिख रहा है वाटरफॉल भी हो रहा होता है साथ ही साथ तो जस्ट इमेजिन ये माउंटेन है ग्रीन माउंटेन है और इसमें वाटरफॉल हो रहा है और आप रोप से जो है चढ़ रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज रेपलिंग मोस्ट फेमस स्पॉट एडवेंचर स्पॉट इन कूर अगैन एंड देन वी ऑल्सो रॉक क्लाइंबिंग विच इज वन ऑफ वन ऑफ अ काइंड एंड माउंटेन बाइकिंग से जो मेरे बाइक फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं अन न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स जो लोग एडवेंचर नहीं करना चाहते सपोज आप कहेंगे कि मे बी मैं बहुत एल्डर एज में हूँ मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे या मैं खुद काफ़ी यू नो इंटरेस्टेड नहीं हूँ या डरती हूँ तो मेरे लिए भी वहाँ पर बहुत कुछ है अगर आपको इन तीनों या इन चारों चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं वहां पे करने के लिए वो है उनमें से एक आप बहुत ब्यूटीफुल वॉक पे जा सकते हैं ऑन ट्रेल्स ट्रेल्स यानी जो पतली पतले रास्ते होते हैं बहुत ब्यूटीफुल रास्ते होते हैं ठीक है उसमें आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं ऑन द ट्रेल्स और राइट नाउ ये ट्रेल्स जो है इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद द ट्रैकर्स सो ट्रैकिंग के लिए अगेन माउंटेन पे चढ़ने के लिए भी जाते हैं एंड ट्रैकिंग के लिए जाते हैं इन ट्रेल्स में चढ़कर जाते हैं ऑलराइट सो नाउ लेट अस मूव अहेड एंड सी

प्रीति पूछ रही है लेड बैक क्या होता है लेड बैक यानी केयर फ्री जो होते हैं मस्त मौला लोग एकदम आराम करने वाले एकदम रिलैक्स रहने वाले उनको लेड बैक कहते हैं राफ्टिंग जो आपको मैंने पिक्चर्स दिखाई आई थिंक पिक्चर्स से काफी आपको क्लैरिटी आ चुकी है राफ्टिंग और कैनोइंग की और इनफैक्ट रापलिंग की भी ठीक है ये नीचे उतरते हैं रापलिंग में हाँ आप, आप सोचेंगे कि रैपलिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग में क्या फर्क है तो वो मैं बता देती हूँ

Once more, which paragraph uh, precisely? I just gave you a revision of that paragraph, uh, the last one. All right. Any other doubts? Yeah, log apne friendship Dusri taraf. All right. So let us move ahead. Uh, okay. चलो अब ये देखो कितना प्यारा सा पहले तो इसको देखो ये बड़ा प्यारा है मुझे फोटो बड़ी अच्छी लगी तो यहाँ पे और भी जानवर मिलते हैं ठीक है थीके? पहले हमने कुछ जानवरों के नाम देखे उनके अलावा और भी जानवर है ओके स्माइल विद बीटीएस हिंदी डब मुझे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैनोइंग एंड राफ्टिंग अगेन आई शो यू विद द पिक्चर एंड एक्सप्लेन जिसकी मी ए मिनट सो अगर आप देखोगे राफ्टिंग इज एक्चुअली अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय करते है, आप देखोगे आ, यहाँ पे टाई करके एक बड़ा सा एक थोड़ा सा एक्चुअली इट्स और इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं वेरी हैप्पी बट ये पतली सी एक बनाना बोट जैसे इसलिए मैंने बनाना बोट कहा ठीक है पतली सी बोट होती है कैनो और उस पर आप बैठते अकेले सिंगुलरली यू जनरली डू और मे बी टू पीपल इफ दे आर वेरी स्लेंडर पीपल ठीक है स्लेंडर यानी पतले मैं दिखाती हूँ स्लेंडर स्लेंडर वाला भी जो आप मुझे पूछ रहे हो स्लेंडर लोरी एक एनिमल है स्लेंडर लोरी वो कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है चलो ये बड़े बड़े प्यारे प्यारे जानवर है टू बी ऑनेस्ट इस जानवर की अगर आप असली पिक्चर देखोगे ना किसी किसी को पसंद आएगी मुझे तो बहुत अजीब सी लगी थी इसलिए मुझसे हिम्मत नहीं हुई कि मैं वो असली पिक्चर ले आ सकूं तो मैंने थोड़ा कार्टूनाइज वर्जन लाया है आप चाहे तो उसकी असली पिक्चर देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है और यहां से खड़े होकर मैं देख रही हूँ तो लग रहा है वो मुझे देख रहा है यहां से खड़े होकर देख रही हूँ तो भी मुझे देख रहा है तो मुझे थोड़ा सा फोबिया हो गया इस जानवर का बट लेट दैट इज फॉर मी लेट्स कंटिन्यू विद दिस और कौन से जानवर मिलेंगे हमें पे बर्ड्स बीज ऑब्वियसली इट्स हिल स्टेशन ब्यूटिफुल बर्ड्स ब्यूटिफुल बीज and buzzing bees and butterflies are there to give you company i'll give you a recap of the show in case you've missed out on something please uh, let me know okay so beautiful birds and bees and butterflies here comes macacus macacus is this animal this एनिमल इसकी आईज देखो ये मुझसे कह रहा है प्लीज मुझे इस पिक्चर से निकालो ओके आ, ये एक टाइप की एनिमल होती है मैकेकिस मालाबारल्स स्क्वरल्स ही होती हैं दिखने में भी इतनी कुछ डिफरेंट नहीं थी इसलिए मैंने उसकी इमेज नहीं लाई बस फर्क ये है कि वो मालाबार स्क्ल्स से थोड़ा सा यूनिक दिखता है ठीक है देन ये ये मकैकिस है अगेन कुछ लोग पूछ रहे हैं इसका नाम ये मकैकिस है प्यारा सा बंदर इसकी नेल पेंट नहीं लगाई हुई है उसकी नेल्स ही ब्लैक है भाई ठीक है दिस एनिमल एनिमल वेरी क्यूट ये तो बेबी होगा ना इसलिए langgour की तो मैंने पहले भी थी. तो तो हो गया इतनी भी क्या जल्दी है तो प्रेजेंटिंग यू स्लेंडर लॉरी ये uh, बहुत पतला सा होता है ये जानवर अगर आप देखोगे एक्चुअली पतला है इसके पैर भी पतले हैं और वो बहुत क्रीपी तरीके से चलता भी इसकी अगर आप वीडियो देखोगे ना थोड़ा सा क्रीपी सा लगता है बहुत अजीब सा लगता है मुझे तो आई मीन टू ईच जोन एंड ऑल एनिमल्स आर वेरी क्यूट किसी किसी को ये भी क्यूट लगेगा ही ही इज लुकिंग एट मी मैं जल्दी-जल्दी इस पैराग्राफ को जल्दी स्किप करना चाहती हूं ठीक है तो ये स्लैंडर लॉरी है ठीक है आप इसको आ, आ, आ,

ठीक है एंड आई डू अब यहां पे पहली बार अगर आप देखोगे राइटर अपना नाम ले रहा है और अपना पर्सनल बता रहा है आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड वाइल्ड फ्रॉम एलिफेंट्स तो वो जो राइटर कह रहे हैं कि वो इन एनिमल्स को तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन वाइल्ड एनिमल्स देखो जो जो पालतू एलिफेंट्स होते हैं वो काफी टेम्ड होते हैं काफी यू you नो know, कोऑपरेटिंग होते हैं लेकिन वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी डेंजरस ओके एंड एनिमल्स देमसेल्स आर वेरी ह्यूज आई लव एलिफेंट्स एक्चुअली बहुत प्यारे तुम्हें पता है एलिफेंट जो है ना इतना इमोशनल जानवर होता है कि वो एक हार्ट ब्रेक से मर सकता है मतलब उसका अगर दिल टूट गया तो वो मर सकता है कैन यू इमेजिन आई मीन इतना सेंसिटिव जानवर है और हम

द्लाइंट जो ब्रह्मगिरी हिल्स अब यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स भी काफी फेमस है चढ़ाव है उस पर आप जाते हैं ठीक है दे ब्रिंक यू इंट्रो पेनरॉमिक व्यू पेनारोमिक पेनारोमा मोड भी है फोन में कई बच्चों को पता है अभी कैमरा में एक लंबा सा फुल फ्लेज जो है व्यू होता है पेनारोमिक व्यू ऑफ कूर्ग तो पूरे कूर्ग का एंटायर मिस्टी लैंडस्केप मिस्टी यानी धुंध से भरा मिस्ट यानी कोहरा होता है धुंध होता है ठीक है तो ऑब्वियसली हिल स्टेशन है तो मिस्टी होगा धुंध से भरा होगा तो लेकिन आपको जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ेंगे तो आपको कूर्ग का पूरा बड़ा सा पेनोरामिक व्यू मिल जाएगा ओके बड़ा सा व्यू मिल जाएगा कूर्ग का और यहाँ पे अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज सो एक रोप वाली ब्रिज है अगेन मुझे ऊंचाई से भी डर लगता है आप बोलोगे मैम को हर चीज से डर लगता है वो सच बात है वैसे सो रोप ब्रिज होती है उस पे से जब आप uh, चलेंगे तो अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स यू टू दिक्सटी फोर एकड़ आइलैंड ऑफ निर्सर्ग धाम जो है आइलैंड है है किसका आईलैंड नाम की जगह है ब्रह्मगिरी हिल्स के यहाँ से आप जाएंगे रोप ब्रिज पे चढ़ के जाएंगे तो निसर्ग धाम पे आप पहुंचोगे रनिंग इन टू द बुद्धिस्ट मंक यहाँ पे जो है अगर आप ये पिक्चर भी देखेंगे इट इज ऑफ दैट ओनली इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर इट्स अ वेरी प्लेस इफ यू सी इट्स एक्चुअली वेरी कलरफुल और यहाँ पे मैंने कुछ भी फिल्टर नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे लगाया होगा फिल्टर बट यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है ये इमेज एक्चुअल जगह है तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मंक होता है मॉन्क प्रोनाशियेशन नहीं इसकी ठीक है मंक प्रोनाउंस किया जाता है इसको तो जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट टिबिट सेटलमेंट सो नेपाल टिबिट वहां से uh, बुद्धिस्ट मंक जो है यहाँ पर आए हैं And they are at nearby Bailla Kuppe. I can't pronounce it properly. I'm sorry for that. But Bailla Kuppe में जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे ये Bailla Kuppe की फोटो है, ठीक है? और it's a bonus for you अगर आ ब्रह्मगिरी uh, हिल्स जाते हैं तो वहां से रोप ब्रिज पर जाइए निसर्गधाम धाम पहुंचिए और निसर्गधाम से आपको बुद्धिस्ट मंक uh, के जो बायला कुप्पे हैं uh, वो सेटलमेंट्स आपको मिलेंगे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस अगेन बहुत सरीन है यहाँ जाके आपको बहुत ही साइलेंट uh, फील होगा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे आपको लाइफ का जो है मतलब यहीं से पता चलेगा जो साधु बाबा लोग होते थे पुराने जमाने में वो लोग शहरों में रह के आ, मोक्ष नहीं प्राप्त करते थे अगर आपको प्राप्ति करनी है शांति की तो आप यहाँ भी जा सकते पेनारोमिक मतलब फुल लॉन्ग व्यू प्रीति आ, फुल लॉन्ग व्यू मतलब फुल व्यू दशु बड़ा सा व्यू आ, आप पेनारोमा अगर फोटो खींचोगे मेरी यहाँ से तो यहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके पूरी उस कॉर्नर तक की फोटो एक कैमरा में सिंगल लाइन में खींचना मुश्किल होता है राइट लेकिन पेनारोमा आप जब सेटिंग करोगे तो वहां से यहाँ तक यानी पूरा व्यू थ्री सिक्सटी डिग्री नहीं कह सकते वन एटी डिग्री तो कह मतलब जहां तक आपकी आंखें जाती है वहां तक आपको सिर्फ कूर्ग डिस्ट्रिक्ट दिखेगा ठीक है जस्ट इमेजिन हाई हिल पे खड़े हैं आप ऊंची हिल पे ऊंची है हिल और उस पर आप खड़े हैं और आपको पूरा कूर्ग जो है दिखाई दे रहा है इतना ब्यूटिफुल पैनारोमिक व्यू है मुझे तो यही से दिखाई दे रहा है ओके सो सेटलमेंट टिपट से इट्स अ बोनस फॉर यू यहां पे जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन गो हियर एलोंगेटेड सौरभ इट मीन लंबा कर देना लंबा किया हुआ लेंदी बना दिया ओके ऑल राइट so the monks in red of course you know the monks they were red and ochre and yellow ochre color jo hai okra it's a uh, somewhere orangish in color divyansh singh i am not ignoring please repeat whatever your question was uh, acha everyone is ignoring me i don't think so uh, red जो है उनका पोशाक होता है अगर आपने monks को देखा होगा प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं monk होते हैं so red color का उनका पोशाक होता है orange color का होता है और yellow भी उसमें होता है तो उनकी जो है वहाँ पे रोब्स रोब्स यानी चोगा हिंदी में कहते हैं मतलब लंबे लंबे जो है ड्रेसेस होते हैं आपने मांग के ड्रेसेस देखी है तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मोर हियर

सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन दूर्ग सो आपको कूर्ग में इंडिया की पूरी जो आप कह सकते हैं एक झांकी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बारिश है एवरग्रीन फॉरेस्ट है बहुत प्यारे प्यारे विभिन्न तरीके के जानवर है कॉफी है और वहाँ का खाना भी काफी रिच है रिच एस इन इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड वेराइटी सो इट्स यू कैन सी अ मिनिनी इट्स एंड यू कैन ऑल्सो सी मंग्स टिबिट

and uh, we will do question answers but quickly let me know if you have any doubts because this is a live session doubts on the spot so please let me know if you have any doubts I read your comment Divyansh. I know I know that is what I was saying friendship let it happen i think thank you so much everyone thank you so much for appreciation appreciation please ask me if there is any doubt let me know

स्पोर्ट्स ऑफ कूर्ग यस आयुष स्पोर्ट्स कौन से कौन से कैनोइंग है रैपलिंग है और राफ्टिंग है रिवर राफ्टिंग एंड मोटर बाइकिंग है माउंटेन क्लाइंबिंग है ट्रैकिंग इज आल्सो देयर। ऑल राइट कूर्ग है इट इज बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर

I think this is the part that you were asking me. Okay. So Kodovus and Kurds, they were kupia. It's a synonym, Kodavus and Kurds. Alright, now let's have a look at the question answers. It is time for our favorite game con Banega Menti Pati without Mendy meter, of course. सारे लोग जो मुझे पहली बार यहां पर देख रहे हैं आपके अलावा यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं कहती हूं, कौन बनेगा अगर आपको ये अद्भुत खेल खेलना है तो आपको हमारा ऐप आप ज्वाइन करना पड़ेगा बिकॉज पर है मेगा मेगा फन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम एक्चुअली बट वील कम टू दैट राइट नाउ वील डू क्वेश्चन आंसर्स एंड प्लीज गाइज इट्स ऑफलाइन सो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर राइटिंग ऑल्सो आंसरिंग टेक्निक की मैं हो सके तो एक क्लास लूंगी इंग्लिश हो सके क्या मैं लूंगी इंग्लिश में कैसे आंसर करते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में आंसर्स कैसे लिखना है उसकी होती है फॉर बेटर मार्क्स वो मैं लूंगी एक सेशन ठीक है वेर स्कोर कम ऑन लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन फास्ट इट्स वेरी इजी कहां मीनिंग नाम wondering what वी कॉल इट इन हिंदी कहा है इट इज यस एब्सोल्युटली करेक्ट मेनी ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट इट इज इन कर्नाटका इज अ वेरी अगर आप लिखोगे कुर्ग इज इन कर्नाटका आपको हाफ ही मार्क्स मिलेंगे इट इज इन कर्नाटका सिचुएटेड बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर एब्सोल्युटली करेक्ट समर्थ आचार्य सौरभ कुमार इज ऑल्सो गिविंग द राइट आंसर इट्स अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ओके कॉमेडी स्टार यूल इट्स अ अ स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट नॉट प्लेस इट्स पीस ऑफ हेवन लेकिन कुर्क कहाँ है तो हेवन हेवन नहीं पीस ऑफ बोलने के लिए आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कुर्क इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका सिचुएटेड बिटवीन मैसोर एंड मैंगलोर मैसूरू और मैंगलुरु के बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कुर्क जो कर्नाटका में पाया जाता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द दडवो पीपल्स डिसेंट कौड़वो पीपल और उनके डिसेंट की क्या कहानी उनके ओरिजिन की क्या कहानी वो कहाँ से आते हैं कौन है लोग कहाँ से आते हैं ये लोग यस yes, दिव्यांश मैं आपको तुरंत से एक रिकैप दे दूंगी इसके आगे वो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देते हुए मैं आपको रिकैप दे दूंगी यस करेक्ट अलॉट ऑफ यू ऑल आर गिविंग मी द राइट आंसर अगैन No, Swayam. No. Okay. Correct. The answer is that they have two descents. One is Greek and the other is Arabic. Both summers. Donu have to upon it. Lalan. Lalan saying hai Greek and Arabic descent. Okay. So Greek kaise? because of the influence or the settlement of Alexander the Great's army, who decided to settle back in kurg and they married the local and influenced their tradition and culture of marriage martial arts and what else one more thing was their rituals traditional rituals religious rituals and second descent is from Arab it is also seen in their आउटफिट इन ड्रेस ठीक है आंसर बड़ा बड़ा इतना भी बड़ा नहीं होता लेकिन लाइन का तो होगा देखो आंसर बड़ा है या छोटा है उससे मतलब नहीं है वो तो बाद में बताऊंगी एक पैटर्न में लेकिन पॉइंट्स आप मिस आउट मत करो आंसर बड़ा हो जाएगा बोल के मैं क्या इंपॉर्टेंट आंसर तो छोड़ नहीं सकती ना आंसर सिर्फ अरब नहीं है आंसर ग्रीक भी है ग्रीक यानी अलेक्जेंडर की जो सेटलमेंट है जो इंडिया में रह गई थी कूर्ग में और वहाँ के लोकल लोगों से जिसने शादियाँ करी और फिर वहां पे अपना कल्चर फैलाया मार्शल आर्ट्स का कल्चर रिलीजन का कल्चर वेडिंग का कल्चर वो हो गया उनका एक डिसेंट और दूसरा आपको अरेबिक डिसेंट दिखता है उनकी पोशाक से जिसे आ, आ, कुपिया कहते हैं जो अरेबिक पोशाक कुफिया से मैच करता है ऑल राइट right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स यू उट अभी इन सब चीजों का पीपल ऑफ कूर्ग कूर्ग के लोग कैसे है तुरंत मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए फास्ट फर्स्ट हाउ वुड यू डिफाइन द पीपल ऑफ कूर्ग एक बहुत स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ में एक लाइन लिखी थी द पीपल ऑफ कूर्ग आर वेरी बहुत कुछ लिखा एक्चुअली उन लोगों के बारे में Yes, yes, आपकी जो दिक्कत है इंग्लिश बनाने की वो दूर हो जाएगी जब मैं ग्राम मैं आप लोग को टेंसेस वगैरह मैन ब्यूटिफुल वन राइट एंड दे आर वेरी ब्रेव यस दीपांशु अपसेट लेजेंड वाई आर यू अपसेट ओके राहुल और भी हैुड कॉमेडी स्टार यू वी

सिबल रेस्पॉन्सिबल होंगे बट वेर डू यू नो प्रीति भारती ने नया ऑब्जेक्टिव भी डाला फ्यपेंडेंट दैट इज करेक्ट इट इज मैं जो बुक में दिया है वो आप बताइए पहले ऑल राइट right, सारे आंसर कवर हो चुके हैं दे आर मार्शल मैन दे आर ब्यूटिफुल वुमेन दे आर ब्रेव

चलो आगे देखते हैं ऑल द बेस्ट कल एग्जाम है विशाल का ऑल द बेस्ट विशाल मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग कूर्ग में मेन फसल कौन सी है कच्चा बादाम सॉरी कौन सी फसल मेन है कूर्ग में रौनक वी आर डूइंग इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास ऑफ इंडिया आंसर इज वेरी इजी कूर्ग में अगर आप जाओगे तो उसकी ही सुगंध आपको मिलेगी उसकी ही महक आपको हर जगह मिलेगी ये समर्थ आचार्य फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आयशा इज ऑल्सो करेक्ट अपसेट लेजेंड रिया सो मेजरली कॉफी एंड स्पाइसिस बट कॉफी प्लांटेशन एंड स्पाइसिस टी इज ऑल्सो देयर टेक्स्ट बुक में लेकिन फिलहाल कॉफी को मैंशन किया गया है कॉफी और स्पाइसिस को ऑल राइट प्रीति सारे सारे फास्ट फास्ट आंसर दे रहे आप मेरी आंखें ऐसे

हर्षिल हम जो क्लास अभी किए थे आप थोड़ा सा अगर इसको पीछे जाकर देखेंगे रीकैप तो आपको समझ में आ जाएगा फिर आप इस पार्ट पर आना फिर आप आंसर्स कमेंट में लिख देना right, आपके बॉट क्या इतना फास्ट आंसर लिख रहे हैं वेरी गुड राफ्टिंग रॉक क्लाइंबिंग एंड यस बाइक राइडिंग स्निग्धा आप डिटेल में मोटर बाइक माउंटेन बाइकिंग लिखिए बाइक राइडिंग मत लिखिए माउंटेन बाइकिंग लिखिए एग्जाम में कॉमेडी स्टार इज आल्सो करेक्ट कैनोइंग यस प्रीति पुष्कर न्यू नेम्स आर कमिंग अप आई एम वेरी वेरी हैप्पी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हो मतलब क्लास राहुल रचित न्यू बॉय दीपांशु ओके द आंसर्स आर रिवर राफ्टिंग कैनोइंग इज आल्सो देयर माउंटेन क्लाइंबिंग इज आल्सो देयर रैपलिंग इज आल्सो देयर राइट

समर्थ को कोई हरा सकता है आंसर देने में क्योंकि फिलहाल तो वही सबसे फास्ट हो रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की स्पेलिंग का ख्याल रखिए उज्जवल कौन सी बात गलत हो गई शिवम आई हैव नो आइडिया दुष्यंत की ट्रेकिंग की बहुत बच्चे स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे स्वयं स्वयं जैन वेरी गुड हनुमान ने सबसे पहले आंसर दिया

वो एक पतला सा जानवर जो मुझे डरा रहा था उसका नाम किसी ने लिखा नहीं है द बेस्ट म्यूजिक योर आंसर इज करेक्ट मालाबार वेरी फास्ट यू आर गोइंग नाउ रूही ने तीन चार एनिमल्स का नाम लिखा स्निग्दा थैंक यू स्निग्दा करेक्ट आंसर स्निग्दा मै इज गिविंग द राइट आंसर स्लेंडर लॉरीज जो अजीब सी जानवर जो मुझे देख रहा था वो पतले से स्लेंडर लॉरीज कहते हैं मैक्वाकिस

Uh, a different type of a monkey. Monkey mat likhna exam mein, please. macacus likho. Langur likho. I'll tell you the answers now. Makakas, langur. Then we have squirrels. We have Maraba Malabar squirrels. We have kingfisher birds. We have mahseer uh, fish. Elephants and wild elephants also. Slender lorries also there. Birds and bees and butterflies also. Right. Don't forget all these things. Hi. Very good. Very good. I'm very proud of all of you. Excellent job guys. चलो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर जिसने ये आज का क्वेश्चन सबसे फास्ट दिया वो आज की लाइव का किंग क्वेश्चन जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसको शाउट आउट मिलेगा एज द किंग ऑफ आज का लाइव सेशन क्वेश्चन तो अभी से देख लिया तुम लोगों ने <laughs> जब मैं बोलूंगी उसके बाद से काउंट होगा ओके इट्स डिस्टेंस From Bangalore and how to get there. How to get to Kurg. Oh my goodness. Samarth Acharya. If I could just scroll up. 265 kilometers by road, railway. Excellent, Samarth Acharya. I think uh, even Rahul and Rohit have given somewhere uh, some type of answer. They have tried to give. So can we crown him as the king of टूडे लाइफ इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी आज आप सारे ही बड़े प्यारी बिहेवियर कर रहे हो बड़े एक्टिव हो तो आई वुड वॉन्ट टू क्राउन ऑल फ्यू द किंग ऑफ द लाइव सेशन मेंटी मीटर जब हम खेलेंगे मैं जरूर करूंगी लाइव में मेंटी करूंगी बहुत मज़ा आता है तब हम देखेंगे वुल बी द किंग ऑफ मेटीपति टिल देन ब्रश योर फिंगर्स आई होप यू गॉट दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर वाइज आई थिंक अपसेंट लेजेंड हैज कम अप विद होल पैराग्राफ टू एयरपोर्ट रोडवेज वेरी गुड एफर्ट अपसेट लेजेंड बहुत अच्छा एफर्ट किया आपने आई गॉट इज देयर पुटिंग अप पैराग्राफ्स थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू डिटेल में आपने आंसर दिया है ओके थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच आई होप यू हैड अ लॉर्ड ऑफ फन In the class today, where is my thank you? Yeah, so I hope you had a lot of fun in the class today. I hope you got the understanding of this chapter. Wonderful chapter, Glimpses of India, part 2, Kurg. Okay, and Jai uh, Hanuman, Okay, so now I think we can end it here. Thank you so much. If you don't have any doubts, we'll just call it a day. Thank you so much. We'll continue with tea uh, from Assam in the next class. ऑल राइट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद ऑल ऑफ यू बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था बच्चों लाइव सेशन का यही फायदा होता है आप आए और आप मुझसे यहाँ पे इंटरेक्ट कीजिए और अपनी क्लास में अपनी डाउट्स मुझसे पूछिए जो शायद आप अपने स्कूल में ना पूछ पाए मैं खाना खा चुकी हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एवरी वन यू आर ऑल एब्सोलूटली लवली अडोरेबल एंड होल्सम आई होप यू है वे टू डे एंड गुड बाय आई कीप द हेडफोन्स ऑफ नाउ